हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। जैसा कि आपको मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम्स जो है इसका लगभग लगभग सूचना आप समझ लेंगे कि लगभग लगभग तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और कभी भी इसके लिए खबर आपके पास आ जा सकती है। बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कैंसिल हुआ उसमें हिंदी और अंग्रेज़ी को जब देखा गया तो इस बार अंग्रेजी का जो लेवल था वो पिछले एग्ज़ाम्स जो टीआरई 2 है और टीआरई 1 है उसकी तुलना में थोड़ा काफ़ी टफ था। और हिंदी में जो है तब्दीलियाँ की गई थी और वह तब्दीलियाँ ये थी कि हिंदी में इस बार गद्यांश पूछे गए और गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज से ओपन स्टडी एरिया आपको हिंदी और अंग्रेजी के लिए आपके द्वारा बहुत ज़्यादा विशेष डिमांड हमने कमेंट करके देखा कई वीडियोस में, तो उसमें आ रहा था कि सर हिंदी और इंग्लिश का जो है आप सेशन शुरू कीजिए। तो आपके उम्मीदों से और आपकी मतलब ये आदेश मानिए कि आप ही लोग के आदेश हैं, क्योंकि हम आपके आदेश पर चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और लेकर के हम लोग चल रहे हैं ऐसे हिंदी और इंग्लिश। तो आज जो होगा उसी लेवल के क्वेश्चंस जो है हमारा ये यूट्यूब चैनल आपको प्रदान करेगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन इतना ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और फिर से हम लगातार आपके लिए काम करते चले। पहला प्रश्न आपके सामने है, इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस का जो डायरेक्ट फॉर्म है वो उसमें निम्नलिखित में से क्या है। जैसे कि सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म, तो यहां पर इनडायरेक्ट दिया है, श्याम आस्क्ड मी हाउ आई हैड रिपर्स्यूटेड हिज सिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो है ये सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बदलना होगा। तीनों में ऐसा किया गया है, लेकिन क्या अब उसके पहले इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो भी सेंटेंसेस लिखे गए हैं, जो भी चीज़ें लिखा गया है, क्या वो सही है? तो यहाँ पर लिखा गया है हाउ आई हैड परस्यूटेड हिज सिस्टर, जिसको हम लोग बनाएंगे तो बन जाएगा हाउ डिड यू परस्यूटेड माई सिस्टर। तो यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है हाउ डिड, ऐसा कहीं कहीं दिखाई दे रहा है नहीं, हाउ डिड यू परस्यूटेड तो दिखाई दे रहा है, तो हाउ डिड यू परस्यूटेड देंगे, हाउ क्या होना चाहिए, हाउ डिड यू परस्यूटेड माई सिस्टर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है कि हाउ डिड यू परस्यूटेड, याद रखेंगे हाउ डिड यू परस्यूटेड लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर परस्यूटेड नहीं होगा क्योंकि परस्यूड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डिड का प्रयोग हो गया है, अतः वी टू का प्रयोग नहीं कर सकते, अभी थ्री का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसी तरह कंडीशन से यह भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कि इसका सही आंसर होगा हाउ डिड यू परस्यूड माई सिस्टर श्याम आस्क्ड मी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रश्न कहता है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। निम्नलिखित में से जो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है उसको आपको छांटने की आवश्यकता है, जो कि ऑप्शंस में आपके पास दिखाई दे रहा है। टेक्स्टर लिखा गया है, टेम्पर लिखा गया है, उसको सैबोरी लिखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों के तीनों मुझे लगता है कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं इनकरेक्ट सबके तीनों के तीनों जो है वह बिल्कुल करेक्ट मुझे लग रहा है और हमें चुनना क्या है इनकरेक्ट, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर दूसरे का ई आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएटेड साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जैसा कि लिखा गया एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन का मतलब मुझे लगता है कि इसका मतलब उमंग होता है, तो उमंग से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो क्या होगा? तो उम्मीद करते हैं कि तीसरे का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा, देखेंगे उत्साह संबंधित इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है चौथा नंबर कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएटेड एडवर्ब ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंसेस। जो आपके पास सेंटेंस में बोल्ड वर्ड किया गया है ना, उसको आप लोग एडवर्ब के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग करेंगे, एडवर्ब किस रूप में आएगा? तो यहाँ पर ओबियस लिखा हुआ है, तो ओबियस को हम लोग ओबियसली के नाम से जान जाएंगे, चौथे का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंत में आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस 30 सेशन में किस बिल्कुल मिलाकर कितने 30 प्रश्नों में आप सही आंसर दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि नए कंटेंट लाए जा रहे हैं आप सभी के लिए नए सिलेबस के अंतर्गत, यानी कि नए जो चीजें जोड़ी गई है बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी टीआरई 3.0 में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड है जो कि इनकरेक्ट लिखा गया है? तो इस बार ब्लिप जो सही है, वेली भी सही है, लेकिन जो वेनेथ लिखा गया है ना वो गलत लग रहा है। पांचवें का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक बार फिर से आपको जो है इनकरेक्टली वर्ड इसमें से चुनने की आवश्यकता पड़ेगी, देंगे तो फिर से देख लीजिए, मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, उसके बाद सी भी सही है, ऑप्शन नंबर बी एक बार फिर से ये गलत की लिखा गया है, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो गलत वर्ड से लिखा गया है। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन द पैसिव वॉइस। यानी कि ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, इसका जो पैसिव वॉइस होगा निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? तो सातवें का सही आंसर क्या हो जाएगा, सातवें का ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर
बी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सातवें का ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सेलेक्ट द सेंटेंस विथ द अप्रोप्रिएटेड यूज ऑफ द प्रीपोजिशन। वह कौन सा सेंटेंस है जिसमें बेहतर तरीके से प्रीपोजिशन का अप्रोप्रिएट प्रयोग किया गया है। आठवें का सही आंसर अब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि कभी के सभी गड़बड़ लिखे गए हैं। सही इसका होगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि देख लीजिएगा जब निश्चित टाइम पूछ देता है ना, और उस समय हैज हैव और बीन लगाकर पूछा जाता है सेंटेंसेज, तो निश्चित समय पीरियड के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, न कि हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे या किसी और चीज का बाई का। तो यहां पर मॉर्निंग एक निश्चित समय है कि इतने मॉर्निंग कितने से कितने कल होते हैं मॉर्निंग, इसलिए यहां पर सिंस का प्रयोग होगा। रियल में सेंटेंस हो जाएगा कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, जो कि यहां पर कहीं फ्रॉम लिखा गया है, कहीं टिल लिखा गया है, कहीं बाय लिखा गया है, तीनों का तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर ई का एक बार फिर से आंसर सही हो जाएगा। देख लीजिए ये वही क्वेश्चन है जो बीपीएससी टीआरई 3 के द्वारा नई चेंजिंग देखने के लिए मिली थी इस बार टीआरई 3.0 में। वह ये है कि गद्यांश को पढ़कर के 9 से 13 तक के प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा 9 से 13 को जवाब देने से पहले हमको इस गद्यांश को बढ़िया से और बारीकी तरीके से सेंटेंस को एकदम क्लियर के हिसाब से पढ़ना होगा कि हर एक प्रश्न का जवाब आगे आपको देना होगा। घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर गद्यांश पढ़ लेते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में समुद्र में जीत हासिल करने में भारतीय नौसेना द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिका की याद में प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। एक सेंटेंस पूरा हुआ, दूसरे सेंटेंस पढ़ लेते हैं। कथा यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा अपने सेवानिवृत्त सैनिकों और युद्ध विधवाओं के बलिदान को याद करते हैं। तीसरा सेंटेंस कहता है इस दिन भारतीय नौसेना राष्ट्र की निरंतर सेवा के प्रति अपनी वचनबद्धता और निष्ठा को दोहराती है। आइए चौथा नंबर सेंटेंस, भारत की समुद्री शक्ति के प्रमुख उपादान और अभिव्यक्ति के रूप में समुद्री अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा की निगरानी और उसमें बढ़ोतरी के लिए भारतीय नौसेना का अहम भूमिका का निर्वाह करती है। अधिकांशतः जनता की नज़रों से दूर खामोशी के साथ काम करने वाली इस सेना के आकार और क्षमता में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वृद्धि हुई है, जो सतत रूप से बढ़ते इसके कार्यक्षेत्र तथा राष्ट्रीय सुरक्षा में इसके बढ़ते महत्व के अनुरूप है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नौसेना की प्रतीक सक्रियतात्मक गतिविधियों में तदनुसार संगत विस्तार हुआ है तथा इसमें हिंद महासागरीय क्षेत्र तथा उससे पड़े के क्षेत्रों का भी समावेश हो गया है। समावेश पर ध्यान रखिएगा। यह जानकर सुखद अनुभूति होती है कि नौसेना हमारी विस्तृत समुद्री सीमाओं की निरंतर चौकसी कर रही है, ये भी ध्यान में रखेंगे, और उनमें पेश आने वाले खतरों और चुनौतियों का हमेशा तेजी से और पूरी दक्षता से के साथ मुकाबला किया गया है। वहीं पर बात करें समुद्री डकैतों की रोकथाम, प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय त्रासदी के दौरान तत्काल सहायता उपलब्ध कराने में भारतीय नौसेना की अनवरत प्रतिबद्धता वास्तव में सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे समर्पित और निष्ठावान नौसेना कार्मिक राष्ट्र द्वारा उन्हें सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं, देखिए आपको पढ़ाया कुछ और जाता है और पढ़ा करके उसके बाद जब क्वेश्चन आप करने जाते हैं हिंदी का तो कुछ और तरीके से डाल दिया गया है क्वेश्चन को, तो आइए उसको बस ध्यान में रखिएगा। पूरे गद्यांश को लीजिए। प्रश्न है समावेश शब्द को में कौन सा संधि प्रयोग हुआ है, तो देखिए पढ़ाया क्या गया और व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें से पूछ दिया। समावेश एक वर्ड मिला था इसमें, लेकिन उसका संधि इसमें क्या हुआ है, तो देखिए संप्लस आवेश यानी कि यहाँ पर अ और अ मिलकर के आ हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर हो रहा है दीर्घ संधि, लेकिन कहीं ऑप्शन में दीर्घ संधि दिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने भी अगर ऑप्शन डी चुना है तो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है सामना करना के लिए अनुच्छेद में क्या आया है, चौकसी करना, निर्वाह करना, मुकाबला करना। देख लीजिए ये मुकाबला करना पर हम लोग थोड़े देर के लिए रुके हुए थे, ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात करें कि 11वां नंबर क्वेश्चन है परंपरागत से तात्पर्य क्या है, परंपरागत क्या है, तो परंपरा से मिले जुले चीज़ों को ही हम लोग परंपरागत के नाम से जानेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह जानकर थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, यह जानकर बहुत आनंद प्राप्त होता है कि हमारी नौसेना क्या है, तो देख लीजिएगा विशाल समुद्री सीमाओं की चौकसी कर रही है, यह बिल्कुल आंसर सही है जो कि गद्यांश में था। गद्यांश से रिलेटेड चीजों को ही आपको ये करने हैं, सटीक करने हैं। 13वां नंबर प्रश्न है कि अहम भूमिका से तात्पर्य क्या है, तो प्रश्न है कि अहम भूमिका से क्या मतलब होता है, तो अहम भूमिका का मतलब क्या होता है, 13 का ऑप्शन नंबर सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना को ही हम लोग अहम भूमिका के नाम से जानते हैं। तो पहला गद्यांश कंप्लीट हो गया, आपके एग्जाम्स में 6 क्वेश्चन पहले गद्यांश से दिया गया था, दूसरे गद्यांश से भी
क्वेश्चन, 6 6 12 दिया था, 12 और 8 की अंग्रेजी मिला करके 20, और 10 क्वेश्चन जो है व्याकरण से लिया गया था। तो हमने 5 5 रखने की कोशिश किया है ताकि हम व्याकरण के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आपको बता पाएँ। गद्यांश नंबर 2 है कि इसको 14 से लेकर 18 तक के प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। तो आइए पढ़ लेते हैं, पहले गद्यांश नंबर 2 को बारीकी से पढ़िएगा। मेरे मकान के आगे चौराहे पर, ढाबे के आगे फुटपाथ पर खाना खाने वाले लोग बैठते हैं, रिक्शे वाले, मजदूर, फेरी वाले, कबाड़ी वाले, आना जाना लगा ही रहता है। लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता, लोग सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं और आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। आगे कहता है इनके कारण पूरे मोहल्ले की आबो हवा ख़राब हो रही है, मैं उनकी बातों को हल्के में ही लेता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ जो लोग जुटते हैं वे गरीब लोग होते हैं, अपने काम धाम के बीच रोटी खाने चले आते हैं और खाकर चले जाते हैं, ये आमतौर पर बिहार से आए गरीब ईमानदार लोग होते हैं। ये देखिएगा अपठित जो है अनसीन जो गद्यांश से वो दिखा जा रहा है, ईमानदार लोग होते हैं जो हमारे इस परिसर के अस्थाई सदस्य हो गए हैं, ये उन अशिष्ट अमीरों से भिन्न होते हैं जो साधारण सी बात पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। इंपॉर्टेंट है, लोगों के पास पैसा तो आ गया पर धनी होने का स्वर नहीं आया, सबसे बड़ी कमजोरी ये है। आगे है कि अधजल गगरी छलकत जाए कि तर्ज पर इनमें दिखावे की भावना उबल जाती है, उबल खाती है, असल में यह ढाबा हमें भी अपने माहौल से जोड़ता है। मैं लेखक हूँ तो क्या हुआ, गांव के एक सामान्य घर से आया हुआ व्यक्ति हूँ, बचपन में गांव घरों की गरीबी हमने भी देखी है और भोगी भी है। आगे है कि खेतों की मिट्टी में रमा हूँ, वह मुझ में रमी हुई है, आज भी उस मिट्टी को झाड़ झूड़ कर भले ही शहरी बनने की कोशिश करता हूँ बन नहीं पाता हूँ। वह मिट्टी बाहर से चाहे न दिखाई दे अपनी महक और रसमयता से वह मेरे भीतर ज़रूर बसी हुई है। अगर कहता है इसलिए मुझे मिट्टी से जुड़े ये तमाम लोग भाते हैं, इस दुनिया में कहाँ सुनी होती है, हथापाई भी हो जाती है लेकिन कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता। दूसरे तीसरे दिन ही परस्पर हंसते बतियाते और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते दिखाई पड़ते हैं। ये सभी कभी ना कभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं लेकिन कभी प्रतीत नहीं होती है कि ये लड़ चुके हैं, कल के गुस्से को अगले दिन धूल की तरह झाड़ करके फेंक देते हैं। ये एक गद्यांश था, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है प्रश्न को देख लेंगे, 90% पर लेकर चले आते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। प्रश्न कहता है इस दुनिया में कहाँ सुनी हो जाती है, इस दुनिया का संकेत क्या है, तो इस दुनिया में कहाँ सुनी हो जाती है, इस दुनिया का मतलब लेखक यहाँ पर गद्यांश में क्या बताने की कोशिश किया है। 14 का सही आंसर होगा गाँव से शहर आ बसे गरीब लोगों को इस दुनिया के नाम से इस गद्यांश में पुकारा गया है। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आएगा, जो प्रस्तुत गद्यांश है वो साहित्य की किस विद्या के अंतर्गत आएगा। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये एक संस्मरण है, अर्थात कहने का मतलब कि यह एक याददाश्त है जिन चीज़ों को लेखक ने इसमें उतारने की कोशिश किया है इस गद्यांश में। 16वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देते हैं। तो हम लोग जब गद्यांश पढ़ रहे थे तो इस धनियों के बारे में ऐसा लिखा गया था, तो लेखक के परिचित अवशिष्ट रेहड़ी पटरी वाले लोग गांव से आए गरीब मजदूर नहीं, ये कोई नहीं, जो गरीब लोग जो ये होते हैं ना अमीर लोग होते हैं किंतु असभ्य लोग होते हैं, उनके पास धन तो आ जाती है लेकिन धनी का स्वर गायब कर देते हैं, ऐसा मैंने गद्यांश में पढ़ा। उपर्युक्त नंबर उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका एक बार फिर से जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न कहता है लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में लेता है क्यों, लेखक से लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता है क्या, ठीक है इस तरीके से लोग बात करके चले जाते हैं लेकिन लेखक शिकायतों को हल्के में ले लेता है, ऐसा क्या कारण है। 17 का सही आंसर हो जाएगा कि इसमें जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें बताएगा कि जुटने वाले लोग जो होते हैं ना गरीब होते हैं, लेकिन वो गरीब तो होते हैं लेकिन ईमानदार बहुत होते हैं, यही कारण है कि लेखक जब भी कोई लोग है कि उनसे कहता है कि आप इनके बारे में क्या करते हैं, ये लोग माहौल ख़राब कर रही है, तो वो बिल्कुल इस बात पर ध्यान नहीं देते। ऑप्शन नंबर ई इसका एक बार फिर से राइट आंसर हो जाए क्योंकि ऐसा बात इसमें नहीं लिखा गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि गद्यांश का अंतिम क्वेश्चन, लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि क्या आपको बुरा नहीं लगता है, याद रखेंगे लोग लेखक से ऐसा क्यों पूछते हैं कि क्या आपको कभी बुरा नहीं लगता है, तो वे लोग जब क्यों पूछते हैं क्योंकि आसपास गंदगी फैला देते हैं, ठीक है ढब्बे के चारों तरफ जब गंदगियाँ फैला देती हैं तो थोड़ा सा माहौल ख़राब भी होता है, तो उस लेखक से पूछा था कि आपको कभी ऐसा बुरा नहीं लगता, तो ये लोग आसपास गंदगी बिखेर देते हैं, यही कारण है कि लोग उनसे ऐसा बात पूछते हैं। अब यहाँ 19 नंबर से क्वेश्चन जो होगा शुरुआत होगा जो कि 30 नंबर तक जाएगा, और प्रश्न है कि य र ल व किस वर्ग का व्यंजन है, तो य र ल व जो है य र ल व य र ल व ये अंदर से आ रहा है, तो 19 का उम्मीद करेंगे कि ऑप्शन नंबर बी अंतस्थ वर्ण के रूप में जाना जाएगा। आगे
ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाएगा? तो जो ईश्वर को नहीं मानता है उसको नास्तिक कहते हैं, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका एक बार फिर से राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात करें 21 नंबर प्रश्न को, तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? लिंग के आधार पर जो है स्त्री और पुरुष में इसका बंटवारा की जाती है। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बाग बाग होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बाग बाग होना इस मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 22वें का ऑप्शन नंबर सी, यानी अति प्रसन्न हो जाना या बाग बाग होने का मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में कौन पुलिंग शब्द है? निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जो कि पुलिंग शब्द के रूप में जाना जाएगा? तो कोश जो है इसमें दिए गए ऑप्शंस में से एक पुलिंग शब्द के रूप में जाना जाएगा। अगर बात करें कि लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो लड़ में आकू जोड़ देंगे तो लड़ाकू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, शुक्ल का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शुक्ल का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है ना, तो शुक्ल का यानी कि जिसको हम लोग जोड़िया और अनहरिया के नाम से जानते हैं, तो शुक्ल का उल्टा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि ऊँट के गले में बिल्ली बांधना इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो ऊँट के गले में बिल्ली बांधना क्या मतलब इस लोकोक्ति का अर्थ है? तो वो बेमेल संबंध हो जाता है, एक कोई और दूसरा कोई और, यानी दूसरों एक दूसरे में मेल नहीं खाना, यानी इसका मतलब होता है कि ऊंट के गले में बिल्ली बांध देना। आगे बढ़ते चलते 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? प्रेम सागर जो शब्द है उनमें कौन सा समास प्रयोग किया गया है? 27वें का ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्न कहता है कि एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेता है? अगर कुछ लेने की आवश्यकता पड़ी भाषा को, तो एक भाषा दूसरे भाषा से क्या लेगा? शब्दावली वो मतलब है स्वीकार करता है, यानी कि उसको ग्रहण करता है। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बदनसीब का प्रयोग जो होगा बद प्लस नसीब से हो जाएगा। उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है, तो बद होना चाहिए, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप श्रृंगार होता है। 30वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये 30 प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे और आपको आज के वीडियो में अच्छा महसूस हुआ होगा। लाइक करते चलिए अंत समय में, और चैनल पर नए हैं तो लगातार कंटेंट हमारी इस YouTube चैनल पर आती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।